मैंने इसको टेस्ट किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ घर से ही, और दोपहर हो चुकी है तो मैं आज बना रहा हूँ ये बेल का जूस बनाऊंगा मैं आज। ये अभी फ्रिज में रखा था और आज भी जमाने को रख रखा है फ्रिज में। तब तक मैं इसको मतलब इसके मटेरियल को निकालूंगा। इसमें भगोनी है, मैं छोटा सा भगोना है तो तब तक बर्फ जम जाएगी, आइस बन जाएगी। और पता ही होगा आपको बेल का जूस आज के समय में कितना लाभदायक है गर्मी में, क्योंकि लू नहीं लगती है, बीमारियों से बचाव करता है ये। तो यहाँ पर मम्मी है और पियोगे? बना तो पियेंगे। अच्छा बिल्कुल, बनाएंगे तो हम पियेंगे, मतलब ये पियेंगे, मैं बनाता हूँ तो ठीक है, मैं बनाता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से बना पाता हूँ। फिर जरूरत पड़ेगी काले नमक की। काला नमक है? काला नमक नहीं है, लाना पड़ेगा दरवाजा दुकान में। काला नमक है नहीं, चलो देखते हैं व्यवस्था करते हैं कैसे। पहले मैं इसको खाली कर लूँ, मतलब अंदर का मटेरियल निकाल लूँ, उसमें डाल लूँ। तो ये निकाल रहा हूँ मैं। अब मैं फ़ोन कैसे पकड़ूँ, कोई है नहीं, अलका जी होती तो उनको फ़ोन मोबाइल दे देता। तो चलो मैं अब निकाल लूँ पहले, फिर दिखाता हूँ। तो मैंने ये सारा मटेरियल निकाल लिया अंदर का, और मैं इसको इससे घुमाऊँगा। ये अभी पानी डालते हैं ये। तो आप सोच रहे होंगे मिक्सी है बट ख़राब है, और इसको पीना है ज़रूर। मैं इसमें डालता हूँ पानी। दोस्तों मेरा बेल का जूस तैयार है। तो अभी मैंने इसको टेस्ट किया और पापा जी ने पी लिया है, बोला बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। थोड़ा देर वेट करना पड़ा क्योंकि ये काला नमक लेने के लिए गया था मैं मार्केट। टेस्ट करता हूँ थोड़ा सा। वाह, गन्ने की जूस की तरह लग रहा है क्योंकि तो एकदम चिल है ना, ठंडा फ्रिज में रख दिया था मैंने, ये मज़ा आ गया। अब सबको पिलाता हूँ। तो दोस्तों जूस वूस सब पी लिया बना के हमने बेल का। अब और एक बेल और बचा है, उसको बनाऊंगा मैं कल, लेकिन वो वीडियो दिखाऊंगा नहीं। आप भी यूज करना, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और गर्मी से भी बचाएगा, लू से बचाएगा, तो स्वस्थ रहोगे। तो ठीक है, अब ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो आए पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।